हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऊपर अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जब मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई थी तो उस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम विज़िट करेंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर pec.org.pk। यहाँ से हम क्लिक करेंगे हायर इंजीनियर के ऊपर। हायर इंजीनियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 58,952 इंजीनियर सीकिंग जॉब। अब आपने ये पोर्टल बेसिकली उन लोगों के लिए है, कंपनीज के लिए है, फर्म्स के लिए है जो कि डायरेक्ट कहीं से भी पाकिस्तान भर में बैठे हुए इंजीनियर्स को एक्सेस कर सकती हैं उनकी इंफॉर्मेशन को, और अगर उनको इनरोलमेंट चाहिए तो वो यहाँ से ले सकती हैं। अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें तो अगर आप कोई सा भी प्रोविंस चेक करें और सिटी करें और यहाँ पे आप कैप्चा एंटर करें और सर्च इंजीनियर पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो तमाम इंजीनियर्स आ जाएंगे जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ग्रेजुएशन ईयर भी इसमें आ रहा होता है और साथ साथ वो जॉब के लिए भी उनके मोबाइल नंबर्स भी आ रहे होते हैं। अगर हम किसी एक की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके पास उस इंजीनियर की स्किल आ जाती है, उसकी सिटी आ जाती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, ग्रेजुएशन ईयर आ जाता है और उसका इंजीनियर रिकॉर्ड आ जाता है। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक इंजीनियर ढूंढना चाहें तो वो आप यहाँ से किसी भी प्रोविंस से ढूंढ सकते हैं, साल से ढूंढ सकते हैं और सिटी से ढूंढ सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप लोगों ने ख़ुद अपने आप को इनरोल करना हो कि आपका भी यहाँ पे आप अगर इंजीनियर हैं जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड योरसेल्फ इन द लिस्ट ऑफ इंजीनियर सीकिंग जॉब। वो आपको आपके पोर्टल पे ले जाएगा। पोर्टल बनाते कैसे हैं इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से आप अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी कि आपने अपना कब बनवाया, एप्लीकेशन कब सबमिट की, और इसके अलावा आपने कितनी दफ़ा अपनी रिन्यूअल करवाई हैं, आपकी मेंबरशिप टाइप कौन सी है, आपका इंजीनियर टाइप कौन सा है। तो आप यहां से सारा कुछ चेक कर सकते हैं। मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है तो आप रिन्यूअल करवा सकते हैं, यहां से अप्लाई फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हुई भी होगी तो वो यहाँ से आपको डिफरेंट प्रोसेस दिखा देगा, आपको आपके डॉक्यूमेंट पूछ लेगा कौन कौन से हैं, सीपीडी पॉइंट्स हैं। लास्ट 30 जून तक आप बगैर सीपीडी पॉइंट्स के अपने आप को रिन्यू करवा सकते थे। लेफ्ट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा पब्लिक प्रोफाइल का, आप पब्लिक प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो कहेगा कि व्हाट इज़ इंजीनियर पब्लिक प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो जब आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से रेड सा आपको ये आइकन शो हो रहा होगा। ये जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा प्रोफाइल अपडेटर्स ओके हो गया है। यहाँ से आप अपना नाम चेक कर लेंगे, इनको आप चेंज नहीं कर सकते इन फील्ड्स को, आप यहाँ से नाम अपना चेक कर लेंगे। डिसिप्लिन ये आपका ऑलरेडी फिल हुआ हुआ होगा यहाँ से। उसके बाद आपको ये आपकी ईमेल है, अगर आप यहाँ से अपनी ईमेल को विजिबिलिटी ऑफ करना चाहते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे यहाँ पे ये ईमेल शो हो रही है, ये मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं, तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर को विजिबल नहीं किया हुआ होगा तो वो आपको वेबसाइट पे जाके ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अपने मोबाइल को यहाँ से अनहाइड करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप इसको ये रेड आ जाएगा इसके ऊपर शो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ये मोबाइल नंबर शो हो रहा है, यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। कंट्री में हम जो कंट्री आपकी है, प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, पोस्टल एड्रेस आपका आ जाएगा और ज्वाइनिंग पीरियड आपका आ जाएगा। और ये अगर हम इसको एक दफ़ा प्रीव्यू करके देख लेते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी प्रोफाइल शो हो रही होगी। नेक्स्ट आपके पास स्किल्स हैं, यहाँ पे स्किल्स हमने देखी थी, जैसे यहाँ पे आपको ये स्किल्स शो हो रही हैं, जो जो स्किल्स आपकी हैं वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने अगर पढ़ी हुई है तो आप उसको ऐड कर देंगे, अगर आपने पावर जनरेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस का अगर है तो वो आप उसको ऐड कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। वो फॉर्म जो है वो पीसी रजिस्टर्ड होगी तो आप यहाँ से पीसी रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म का नाम कैटेगरी डालेंगे, C6 है, C5 है, C4 है, फॉर्म का लाइसेंस नंबर डालेंगे, फॉर्म का एड्रेस डालेंगे और यहाँ से आप उस पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ये जो इनका पोर्टल है।